राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका ब्रजभूमि दर्शन में राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है राकौली गांव, जो पड़ता है श्री रंग देवी सखी जी का गांव। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, श्री रंग देवी सखी और सुदेवी सखी जिनका गांव था सुनहरा, ये दोनों आपस में बहन थी और ये उनकी मौसी का गांव था और मौसी की कोई औलाद ना होने के कारण उनको यहाँ पर गोद ले लिया गया। तो आज ये मंदिर थोड़ा बाकी जितने मंदिर भव्य हैं उनसे थोड़ा कम भव्य है, और यहाँ की क्या विशेषता है और क्या उनका योगदान रहा था अष्टसखियों में जो भी हमारे राधा कृष्ण जी की थी, तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ थोड़ा मंदिर का और उनके जो प्रतिमा लगी हुई है उसका। और मंदिर में जो भी है कुछ काफ़ी पुराने पेड़ पौधे भी हैं, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो पूरी ज़रूर देखें। और ये डवारा गांव से जो रोड आता है, रोड के बिल्कुल लेफ्ट में एक छोटा सा रोड आता है, लगभग 2 या 3 मिनट का रास्ता है जो आपका आता है राकौली के इस मंदिर पर। और यहाँ से अंदर आने के बाद मंदिर वैसे काफ़ी प्यारा है, छोटा सा है, पर बाकी जितने भी आजकल जो मंदिर बने हुए हैं सखियों के उनके जितनी सुविधा तो खैर यहाँ पर नहीं है, पर जैसे गांव का एक बिल्कुल प्राकृतिक मंदिर होता है कुछ इस प्रकार का ये मंदिर ज़रूर है। बिल्कुल सामने लगी हुई है हमारी रंग देवी जी की प्रतिमा। अब चलते हैं मंदिर की तरफ और बिल्कुल सामने आप दर्शन करें हमारी सखी जी के और सामने बिल्कुल ठाकुर जी के। और ये दोनों सखियां हैं और एक प्रतिमा साइड में भी रखी हुई है, बड़े विग्रह, ये उनके बड़े विग्रह हैं और ये उनके दो छोटे विग्रह हैं। उनकी बहन भी उनके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि दूसरे वाले सुनहरा वाले मंदिर में भी ये चीज़ मैंने देखी थी और ये चीज़ यहाँ पर भी है। और बहुत ही सुंदर दर्शन है, मंदिर अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बाहर से तो नहीं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इस मंदिर में जो भी आपका योगदान हो सकता है वो ज़रूर दें। और अब यहाँ के मेन जी थोड़ी देर में हमें आकर यहाँ के बारे में बताएंगे। और ये कुछ श्लोक लिखे हुए हैं यहाँ पर, बड़े भाग भाई जू हम जीवन प्राण उधारी, जोरी रसिक सुरोमनी सहज सदा सुखकारी। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखे हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जू का मतलब मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ, श्री रंग देवी सखी महारानी ठाकुर श्री रंगीली रंगीले लाल जू महाराज। और ये उनका बिल्कुल सामने मंदिर है, इसकी बहुत सुंदर दर्शन है। और इधर भी कुछ श्लोक लिखे हुए हैं और इधर भी, ये बिल्कुल छोटा सा एक प्यारा सा मंदिर है, बाकी जैसे मंदिर हैं ऐसा तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। और ये यहाँ के महन जी की एक स्कूटी भी खड़ी हुई है और सामने भी एक श्लोक लिखा हुआ है। और कुछ इस तरीके का ये मंदिर दिखता है इधर से। बिल्कुल नेचुरल, जो गांव से लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गांव के मंदिर कैसे होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये मंदिर है। और अब थोड़ी देर में हमारे महन जी आने वाले हैं। महन जी राधे राधे। तो महन जी क्या आप हमें बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में और सखी जी के बारे में? पहले श्री रंग देवी महारानी की जय बोलेंगे। बोलो श्री रंग देवी महारानी की जय हो। हमारी जो राधा रानी की 8 सखी हैं उनमें से एक सखी रंग देवी महारानी है जी। उनके पिताजी का रंग सारंग गुप्त जी महाराज और माता का नाम करुणा माता जी जी। तो एक दिन राजा टहल रहे थे सुबह सुबह, तो उनको भविष्यवाणी हुआ जी, यहाँ पे कुंड खुदवाया जी, तो ये पास में कुंड है, कुंड खुदवाया उन्होंने। तो कुंड की खुदाई में शिवलिंग भोले बाबा पार्वती मैया दोनों एक ही में जुड़े हुए जी, शिवलिंग नगर। तो राजा ने नित कर्म से अपने पूजा पाठ करते थे, जल चढ़ाते थे जी। भोले बाबा तो परम दयालु है जी, तो पार्वती मैया भोले बाबा दोनों प्रकट होकर के राजा को दर्शन दिए और उनको आशीर्वाद दिया जी के आप राजा बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ 2 लाली जन्म लेने वाली हैं जी। उनका नाम श्री रंग देवी महारानी जी, श्री सुदेवी महारानी जी, जो श्री राधा रानी की परम प्रिय सहचरी हैं जी। तो रंग देवी महारानी जो श्री जी की कांति है जी, तो प्रकाश है वही रंग, रंग माने अनुराग, अनुराग माने आनंद जी। जो श्री जी का रंग है वही रंग देवी महारानी प्रकट होकर के जी रंग देवी के रूप में चमक ढुरा रही हैं यहाँ पे
समर सेवा कर रही हैं जी। और दूसरा स्वरूप है जो राधा रानी की नथ है जी, नथ का रूप बन करके प्यारी जी का मुखार बिंद की शोभा बढ़ा रही है जी महारानी। और एक स्वरूप से चमर ढोरा रही है जी। तो गंगी महारानी तो क्या कहें इनके बारे में, अनेक रूप से जी। जो गैया है जो ब्रज में जो लाला दूध पीता है राधा रानी की, वो ही गैया बन करके रंगी महारानी सेवा कर रही है जी, दूध पिला रही है। तो इतना सौभाग्य है कि हमारा, हम इस रज में रंग देवी महारानी की चरण रज में हम यहाँ पे बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, जिसलिए हमको सेवा मिली है जी रंग देवी महारानी के। बार बार कृपा मनाते हैं और रंग देवी महारानी बोलती है जुगल जस गाय गाय जी जी। जुगल माने प्रिया प्रीतम, जस माने बोली की कीर्ति जी। जुगल जस गाय गाय जी जी, या जग में बल जाऊं हो अब जीवन फल। ये संसार में वही सौभाग्यशाली है जो भजन में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, वही सौभाग्यशाली है। और तो निरख निरख नैनन सुख संपत्ति सहज और सुकृत कीजिए। सहज ही में अपने जीवन को सफल बनाओ। निरख निरख ने नन सुख संपत्ति सहज सुकृत की श्री हरिप्रिया जुगल पर वार पानी पीजिए। मैं जुगल की आरती करती हैं, बारती हैं, जलवार के पीती हैं। क्यों कि हमारे प्रिया पीतम को नज़र ना लग जाए, इतना वात्सल्य है, इतना सकिन के हृदय में प्रिया पीतम के प्रति इतना भाव है जी। तो यह है तो बहुत सौभाग्य की बात है। और अष्टकाल से बाज टहल में की बात, ताऊ में अलभ्य नरे साधे सो साक्षात। जो हम अभी दर्शन कर रहे हैं ये दर्शन ही साक्षात हैं। हमारा भाव होगा यही बोलने लगेंगे, यही मुस्कराने लगेंगे। जब प्रहलाद जी ने जब खम्भे में से ठाकुर जी प्रकट कर दिए तो ये क्या कोई वो थोड़ी है, ये तो साक्षात ही हैं। हमारा आप लोगों का भक्तों का जितना भाव होगा यही साक्षात रंग देवी महारानी। भाव में भगवान, भाव में भगवान है। तो इनका खूब सेवा करना चाहिए सबको और सब लाड लड़ाना चाहिए। और रंग देवी महारानी का उत्सव आ रहा है, जन्म तिथि आ रही है, और सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी आकर के यहाँ पे आनंद लें, दर्शन करें। 8:30 बजे अभिषेक होगा, भादो की पूर्णिमा के दिन, अब यानी 10 सितंबर के लिए जी। आप सभी यहाँ पे आए और दर्शन करें, यही कहते हैं सभी भक्तों से कि इनके चरणों में अनुराग हो सभी का, और सभी को आनंद से आशीर्वाद रंग दिन का आशीर्वाद ले में। इसीलिए हम राम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री रंग देवी महारानी की जय हो। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हरिशरण। हरिशरण, तो आपने ये थोड़ा, मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल भक्ति भाव में आ चुके हैं, और जहाँ तक मुझे ज्ञात हो रहा है कि आपने घर बार भी इस चीज़ में त्याग चुके हैं आप। वैसे इसमें मैं ये तो कहना चाहूँगा कि मैंने कोई घर बार में कोई त्यागी नहीं हूँ। अच्छा, जो हमारी जो परंपरा है वो वैराग्य है, मतलब उसमें ना हम घर में फिर भी उसमें ना रहते हुए भी हम उसमें आसक्ति नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम कोई त्यागी नहीं है, हम तो बस अपने किशोरी जी की और हमारे श्री रंगदेव जी की और हमारे संत जन की कृपा है जी जी, कि उनके सानिध्य में बस रह करके श्री जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं। इस मंदिर से आपको काफ़ी लगाव है? बहुत लगाव है, और हमारे प्रधान सहचरी हमारे श्री रंगदेव जी है, हमारे मिथुन में भी और यहाँ पर। अच्छा, हमारे जो श्री रंगदेव जी है, हमारा जो संप्रदाय है वो श्री निम्बार्क संप्रदाय है। अच्छा, जो हाँ हमारे जो आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान है वो हमारे श्री रंगदेव जी का ही अवतार है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप इस उम्र में बहुत सी सारी चीज़ होती हैं, भगवान की ही क्यों वीडियो बनाते हैं इन चीज़ में। ये आदमी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, ये कोई ऐसा विषय नहीं होता कि आदमी इसे मजबूरी में कर रहा है, या उसका एक, या कह सकते हैं भगवान का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है वो इस चीज़ को करते हैं।
तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपके जीवन में ये चीज कहाँ से आई? मेरे जीवन में जी, मेरे जीवन में मेरे गुरु जी की कृपा है और हमारे संत जन की कृपा और श्री जी की कृपा है। तो आपके गुरु जी कौन थे? हमारे गुरु जी वैसे आउट कंट्री से हैं जी, जर्मन ऑस्ट्रिया से हैं जी, जर्मन ऑस्ट्रिया से हैं। उनका भी फिलहाल वो उधर नहीं है, जर्मन ऑस्ट्रिया में है जी। तो उनका क्या ना अभी ना वीजा बन पाया उनका सिटीजनशिप, तो इसलिए वो उधर नहीं है। तो कैसा आनंद आता है आपको इसमें? इसमें हमारे जो कृष्ण भक्ति में, वो तो मैं जानता हूँ, बाकी हमारे श्रद्धालु जानना चाहेंगे, मुझे तो पता है, बहुत ही आनंद आता है। जो ये आप कह रहे हैं इसमें कैसा लग रहा है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे श्री जी के जो भी शरण में आ गया है, जो भी इसमें उपासना में आ गया है, उपासना जी, तो उसको देख से जीवन में आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है इसमें, कोई संशय नहीं। जो इसमें डूबना चाहता है या फिर जो साधक है जो इसमें लगाव इनके प्रति है, तो उसका तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है भैया जी, राधे राधे। राधे राधे भाइयों, आज मैंने दर्शन कराया आपको रंग देवी के, और उनके बारे में जो भी बातें थी वो यहाँ के मेहन जी ने बताई, और अपने वैराग्य की बातें हमारे भैया जी ने बताई। तो भैया जी आपका नाम क्या था, बोलिए दोबारा बताएं। हरी शरण भैया जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भैया ने इस जीवन में, ठीक है, धन्यवाद हर चीज़ का होना चाहिए, बिना मतलब के भी होना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपको ब्रिज के ऐसे ही धामों में रुचि है तो आप हमारे चैनल को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ और ख़ुद भी देखें, और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें, हमारे कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद लेते रहें, हमारे राधा जी की लीलाओं का आनंद लेते रहें। इसी के साथ हम आपसे करते हैं प्यार भरी राधे राधे।